या गना बदो या कनस्ताई। मेरे पाकिस्तानियों, मैं सबसे पहले आज पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को खराज तहसीन भी पेश करता हूँ, कौम की तरफ से मुबारक देता हूँ। और ये मैं क्यों मुबारक दे रहा हूँ कि मुल्क में जमहूरियत अब सिर्फ एक धागे से लटकी हुई है, जुड़ी हुई है, और वो धागा है सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट इस वक्त मुल्क की जमहूरियत को उम्मीद दे के बैठा हुआ है, क्योंकि बाकी मैं अभी आपको बात करूंगा कि बाकी तो सारे जो जमहूरी इदारे हैं उनको तो तबाह कर चुके हैं। ये जो माफिया आया है NRO का माफिया, इसने बाकी जमहूरी इदारे तबाह कर दिए। आज सिर्फ उम्मीद पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से, और मैं सुप्रीम कोर्ट को इसलिए आज ख़ास तौर पे मैं आज कौम की तरफ से उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि मैं एक पार्टी का सरबरा आइन को सामने रखते हुए सारे टॉप वकला से पहले लीगल ओपिनियन लेके मैंने अपनी दो गवर्नमेंट्स को डिसॉल्व किया। डिसॉल्व क्यों किया कि सबसे पहले तो हमें मुश्किल हो गई थी, फंड्स नहीं दे रहे थे। जो फंड्स आने थे सेंटर से, फंड्स आने थे दो सूबों को, वो फंड्स काट दिए इन्होंने। हमने लोगों से वादे किए हुए थे कि हम आपके लिए जो भी करेंगे, तो जब फंड्स ही नहीं आते तो हम अपने वादे कैसे पूरे कर सकते थे। तो जमहूरियत में अगर आप अपना मैंडेट पूरा नहीं कर सकते, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आपके पास फिर आपका यह राइट होता है, यह हक होता है कि आप अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व करके एक नया मैंडेट लेके आए। और दूसरा कि कोई भी पाकिस्तानी, जो भी पाकिस्तानी आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं, सारों को पता है, हर उस पाकिस्तानी को पता है कि जो आज इस मुल्क को बचाना चाहता है इस दलदल से गिरने में, फंसने में, सबको पता है कि एक ही रास्ता है और वो है साफ और शफाफ इलेक्शन। तो हमने ये भी उम्मीद लगाई कि ये एक मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे, और एक दफ़ा हम अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व करें। और मैं फिर से लोगों को याद कराना चाहता हूँ, इन सारों की, PML लीडर्स की, सबकी स्टेटमेंट्स हैं कि अगर आप इलेक्शन चाहते हो तो अपनी गवर्नमेंट्स कराएं। इन सब ने, इनके बड़े बड़े लीडर्स ने, सब ने ये स्टेटमेंट्स दी। बल्कि जनरल बाजवा से जब मेरी दो मीटिंग्स हुई तो उसने भी ये कहा कि अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व करें और फिर इलेक्शंस की तरफ चला जाएगा मुल्क, क्योंकि हम तो कह रहे थे मुल्क को बचाने के लिए इलेक्शन चाहिए। लेकिन जो हो रहा है पाकिस्तान से, जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जिस तरह की वारदात हो रही है, जिस तरह जजेस के ऊपर जिस तरह उनको अटैक किया जा रहा है, बल्कि असेंबली में जिस जो जबान इस्तेमाल की जा रही है चीफ जस्टिस के खिलाफ और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ, मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क के सामने बहुत बड़ा इम्तिहान है। क्योंकि जो माफिया है, और मैं इनको पॉलिटिशियंस नहीं कहता, मैं 30 साल से ज़्यादा इनका मुकाबला कर रहा हूँ, पॉलिटिशियंस ऐसी हरकतें नहीं करते जो ये करते हैं। माफिया करता ये है कि या खरीदता है आपको, और ये इन्होंने बेतहाशा रिश्वत का इस्तेमाल किया है, और फिर या फिर ये आपको डराते हैं, धमकाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, जहाज़ों से तस्वीरें फेंकते हैं नंगी अपोजिशन लीडर की, या वो फिर उनको टेप्स बनाते हैं, फिर उनके गंदी टेप्स उनको दिखाने के लिए, और हर किस्म का ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। तो ये माफियाज करते हैं, ये पॉलिटिशियंस नहीं करते। तो इन्होंने अब ये असेंबली में अब फिर एक और नैब अमेंडमेंट आ रही है, और अमेंडमेंट नैब ये क्यों आ रही है, कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह इन्होंने जो NRO लिया टू, जो पहली नैब अमेंडमेंट करके, इनको खौफ ही आया हुआ है कि कहीं जो अदालत में मैंने केस किया हुआ है नैब अमेंडमेंट्स के खिलाफ कि 1100 अरब रुपये अपना माफ़ करवा रहे हैं, तो जो केस किया हुआ है, इनको खौफ है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी अमेंडमेंट्स को रद्द कर दिया, जो इंशाल्लाह होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं है कि वो पॉलिटिशियंस जिनके ऊपर 1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस हैं, वो आके कानून पास करें और हर शिप के अंदर अपनी करप्शन बच जाए। इसकी कोई दुनिया में मिसाल नहीं है। ये कहीं भी दुनिया के अंदर ये कानून के सामने ये रद्द किया जाएगा। क्यों किया जाएगा?
सिंपली इस वजह से कि पब्लिक का करप्शन होता है, पब्लिक का पैसा चोरी करना। मैं अपने मेरा कोई पैसा चोरी करे मैं तो उसको माफ कर सकता हूं, पब्लिक का पैसा चोरी करना कोई इजाजत नहीं दे सकता, कोई मुल्क इजाजत नहीं देता, ना कानून इजाजत देता है। तो लिहाजा इन्होंने आप एक और नैब अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, और ये मैं आपको बता दूं कि ये वो कैबिनेट है, 60% कैबिनेट के लोग जमानत पे थे करप्शन केसेस पे, और जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, ये और इसके बेटे को ये अंडर ट्रायल थे, इनको सजा होने वाली थी 16 अरब रुपए का जो मकसूद चपरासी का जो FIR का केस था, और 8 अरब के जो इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की थी, 8 तो 24 अरब रुपए के करप्शन के केसेस थे जिनको जिनके ऊपर इनको सजा होने वाली थी। जनरल बाजवा ने एक अंडरस्टैंडिंग दे कि तब बचाया शहबाज शरीफ को और इसको ऊपर बैठाया, क्योंकि शहबाज शरीफ से अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जनरल बाजवा को ये एक्सटेंशन दिलवाएगा, ये सारी एक्सटेंशन के लिए उसने किया और इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए। वो और बात है कि नवाज शरीफ अड़ गया, क्योंकि नवाज शरीफ तो भूलता नहीं है, वो समझ वो जब तक अंपायर उसके साथ ना हो वो उसको समझता है कि वो उसके खिलाफ है, उसको कोई न्यूट्रल अंपायर की उसके उसके जहन में समझ नहीं आती, क्योंकि वो जिमखाना में भी जब मैच खेलता था पहले अपना अंपायर खड़ा करता था, वो उसके लिए चीटिंग करता था, वो अंपायर उसको पसंद था, कोई अंपायर जो दयानेदारी से काम करे उसको वो अफोर्ड नहीं करता था। तो उसने जब पैनमा के अंदर सजा हुई नवाज शरीफ को, तो वो कभी नहीं भूला कि वो समझा था कि जो दो ब्रिगेडियर्स थे GIT के अंदर उनकी वजह से सजा हुई, और वो कभी उसने माफ नहीं किया, इसलिए एक्सटेंशन नहीं मिली। तो अब मैं आता हूं कि जो मौजूदा हालात हैं, मौजूदा हालात अब ये हैं कि एक साल से इस मुल्क में क्या हो रहा है, एक साल में हमारे मुल्क से जो खेल खेला जा रहा है वो सिर्फ एक है कि जनरल बाजवा ने साजिश करके इन PDM के लोगों के साथ, और फिर 7 अमरीकनों को कह के हुसैन अकानी के जरिए कि जनाब इमरान खान ने बड़ा एंटी अमेरिकन है, तो उसके कह के गवर्नमेंट गिराई, उसने गवर्नमेंट गिराई एक्सटेंशन लेने के लिए, इनको NRO दिलवाया उसने, और वो NRO जब मिल गया तो इनका सबसे बड़ा खौफ अब ये था कि ये पहले पैसा चोरी करो, अब पैसा चोरी को बचाओ, और खतरा ये है कि किसी तरह इमरान खान अब वापस ना आ जाए, क्योंकि ये इतनी मुश्किलों से उन्होंने NRO लिया तो उनको खतरा था कि पैसा पकड़ा जाएगा। तो सारा मुल्क से जो हो रहा है वो ये याद रखें, मेरे पाकिस्तानी याद रखें कि सिर्फ और सिर्फ ये अपनी चोरी बचाने के लिए ये मुल्क का सारा सारा निजाम तबाह कर रहे हैं। और जो अफसोस है मुझे कि हमारे मुल्क में वो लोग हैं जो मुल्क के महाफिज हैं, जिनके पास पावर है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो जाके इनके साथ खड़ी हो गई है, और ये मिलके हो क्या रहा है कि मुल्क का निजाम तबाह किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ किसी तरह इमरान खान ना आ जाए वापस। तो अगर आपको ये समझ आ जाए तो फिर आपको सब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्यों हमला हो रहा है, इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहा है, क्यों नहीं पैसा इलेक्शन के लिए, क्यों जनाब सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, क्यों जनाब सारे इदारे खत्म कर रहे हैं, क्यों केयर टेकर गवर्नमेंट, ये सारा आपको समझ आ जाएगी। एक 1 पॉइंट एजेंडा है, इमरान खान ने नई इलेक्शन मौका देना जीत के आए, क्योंकि अगर वो आ गया तो ये सारी जो इनकी चोरी है वो पकड़ी जाएगी, वो वापस फिर केसेस खुल जाएंगे, उसका डर है बस। सारी जो मोटिवेशन है वो उधर से शुरू होती है। तो उससे सारे हमारे आज जमहूरी इदारे जो मैंने आपको शुरू में कहा था सारे तबाह हो रहे हैं, एक एक करके इदारे को उन्होंने कमजोर किया। आते साथ ही उन्होंने FIA को खत्म किया, क्योंकि FIA में शहबाज शरीफ के केसेस थे, पहले वो डॉक्टर रिजवान को उसको पता नहीं क्या किया, वो बेचारे हार्ट अटैक से मरा, फिर सारे गवाह मारे, 4 गवाह थे जो सारे हार्ट अटैक से मर गए आते साथ ही। उसके बाद उन्होंने NAB के ऊपर एक पहले अपना चेयरमैन लेके आए, क्योंकि 8 अरब रुपए के वहां भी केसेस थे, पहले उसको वो जो अपना NAB का चेयरमैन लेके आए उसने भी आखिर में हाथ खड़े कर दिए, उसने कहा मैं ये नहीं आपके लिए काम कर सकता, वो भी उसने जाके रिजाइन किया। अब एक और जनरल साहब को लेके आए कि जनाब अब आप NAB का सिर्फ काम रह गया एक ही चीज कि किसी तरह ऑपोजिशन को हमें कैसे दबाना है, सारे इनको माफ कर दिए केसेस 1100 अरब रुपए की, अब कैसे ऑपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करनी, FIA का क्या काम रह गया,
इनके केसेस खत्म करके हमें हमारे खिलाफ कैसे इंतकामी कार्रवाई कर दी। पुलिस वो आदमी इस्लामाबाद में जो लेके आए हैं आईजी, इसको सजा होने वाली थी सेफ सिटी प्रोजेक्ट में, ये पकड़ा गया था करप्शन में, इसको सजा होने वाली थी, सुभाष शरीफ उठा के उसको वहां ले गया। अब क्योंकि उसको डर है कि उसको सजा हो जाएगी, वो पूरे इसके गलत काम करने के लिए तैयार है। यहां पुलिस ऑफिसर जो यहां लेके आए हैं, ये वही पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने 25 मई को हमारे ऊपर जुल्म किया। इन पुलिस ऑफिसर्स को इलेक्शन कमीशन जान के वापस लेके आई। हमने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा कि 22 ऐसे लोग हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स और पुलिस ऑफिसर्स, इन्होंने हमारे पे जुल्म किया था 25 मई पे, घरों में घुस घुस के, ये कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ कि रात के अंधेरे में 2-3 बजे रात के इन्होंने घरों में घुसे और लोगों को उठाया, दरवाजे तोड़ के अंदर गए, लोगों को पकड़ पकड़ जेलों में लेके गए, औरतों को हरासा किया, ना चादर ना चार दीवारी। इन्होंने 11 साल के बच्चे को उठा के ले गए जब बाप नहीं था। तो इन्होंने उन ऑफिसर्स ने जिन्होंने ये जुल्म किया था, इसी इलेक्शन कमीशन ने वापस उनको लेके आए। और ये फिर मैं कहना चाहता हूं, इदारे, पुलिस का इदारा, पार्लियामेंट का इदारा कैसे खत्म हुआ? राजा रियाज जो नून के टिकट पर लड़ना चाहता है उसको ऑपोजिशन लीडर बना दिया। तो पार्लियामेंट भी कभी चलती है ऑपोजिशन के बगैर, पार्लियामेंट खत्म। अब केयर टेकर, मुझे जरा यह बताएं केयर टेकर क्यों बनाई गई थी? केयर टेकर का मकसद सिर्फ एक था कि एक न्यूट्रल अंपायर आएंगे और वो साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएंगे, ये केयर टेकर का मकसद था, नहीं तो केयर टेकर की जरूरत क्यों थी? केयर टेकर यहां कौन सी है? केयर टेकर वो है जिसने बैठ के, इलेक्शन कमिश्नर ने शहबाज शरीफ के साथ बैठ के और फजल रहमान के साथ बैठ के पूरी इनकी केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई, और ये हैंडलर्स ने साथ बैठ के ये जो पंजाब की गवर्नमेंट और केपी की बनाई है केयर टेकर, सारे हमारे मुखालफिन को लाके केयर टेकर गवर्नमेंट में बिठा दिया। और फिर केयर टेकर ने वो काम किए जो कोई तसव्वुर नहीं कर सकता, वो कोई आम गवर्नमेंट भी करे, यानी एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट भी करे, वो भी कोई तसव्वुर नहीं कर सकता जो उन्होंने जिस तरह की ह्यूमन राइट्स वायलेशन किए। लेकिन केयर टेकर का तो कोई सोच भी नहीं कर सकता। केयर टेकर का सारा इदारा तबाह किया। इलेक्शन कमिश्नर सबसे ज्यादा इसमें मुलव्वस है, वो बिल्कुल इनका गुलाम, न्यूट्रल्स का गुलाम, उसने हर काम वो किया जिसने हमें हर तरह नुकसान पहुंचाया। ह्यूमन राइट्स अब्यूज, मैं अब शुरू करता हूं 25 मई का मैं क्या बैठा हूं, उसके बाद मैं, हम बता चुके हैं, शहबाज गिल को पकड़ा, उसको टॉर्चर किया, और वो एक ऑफिसर जब से पोस्ट हुआ, मैंने जनरल बाजवा को उसकी कंप्लेंट की, मैंने अपनी तरफ से मैसेज भिजवाई, इस प्रेजेंट जो आर्मी चीफ है उनको भी मैसेज भिजवाई कि जब से ये ऑफिसर आया है जिस तरह की ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं हुई। हमारे साथ जब से एक टाइमलाइन है ये आया है, उस वक्त सारी ह्यूमन राइट्स वायलेशन शुरू हो गई। शहबाज गिल को जब उठाया, अगवा किया, 2 दिन रखा, टॉर्चर किया, नंगा किया, उसको पता नहीं क्या क्या उसके ऊपर किस किस्म के गलीज जुल्म किए उसको, जब वो इतना, अभी तक शहबाज गिल पूरी तरह रिकवर नहीं किया जिस तरह के उसके ऊपर फिर एक के बाद दूसरे केसेस किए। तो ये नहीं कि एक केस किया, उसके बाद और केसेस करते गए, और जो शहबाज गिल ने कहा था एग्जैक्टली वही बात ख्वाजा आसिफ ने कही है, उसको तो कोई पूछता नहीं है। और जिस तरह फिर आजम स्वाती को उठाया गया, आजम स्वाती ने क्या कहा था कि एक ट्वीट की थी कि जनरल बाजवा थैंक यू फॉर NRO 2, कि आपने ये पहले NRO 1 मुशरफ ने दिया था, आपने NRO 2 दे दिया। सारी कौम को पता है जनरल बाजवा ने दिया, और हमें यह भी पता है अपनी एक्सटेंशन के लिए दिया था। लेकिन जब वो उसने दिया ये एक ट्वीट की, उसके घर 3 बजे रात के बच्चे, उसके ग्रैंड चिल्ड्रन यानी पोते पोतियों के सामने उसको मारा, फिर उठा के लेके गए, उसको फिर नंगा किया, फिर उससे ये तशद्दुद किया, फिर रिकॉर्डिंग की, उसकी तस्वीरें बनाई, और वो जो उसकी फिल्म बनाई है वो दिखाई गई है हमारे एक MP ने मुझे खुद बताया कि जब उसे कह रहे थे PTI छोड़ के दूसरी तरफ चले जाओ तो उसकी तस्वीर दिखाई, ये तुम्हारे से हो सकता है। और यहां रुके नहीं, सोशल मीडिया के लोगों को पकड़ा, कईयों को पता ही नहीं था, कोई जो ट्वीट करता था, जो
जो लगता था कि वो पीटीआई का उसको पकड़ लेता था, उनको इसी तरह तशद्दुद किया, वो जमील फारूकी एंकर उसको पकड़ लिया, उसको नंगा किया, और उसके बाद जो अरशद शरीफ से हुआ, जिस तरह वो मुल्क से गया, कौन किन लोगों ने धमकियां दी, वो सब सबके सामने। तो ये सारा हुआ जब से एक ऑफिसर आया और उसको यहां पोस्ट किया। मैं नाम इसलिए नहीं रहा कि वो सेंसर हो जाएगा सब कुछ, लेकिन तब से एक पूरी टाइमलाइन है कि जुल्म होने शुरू हुए। लेकिन अब मैं आता हूं कि जो 8 मार्च को हुआ, मैं इसलिए आपको सबको कह रहा हूं कि ये सारा कुछ हो रहा है एक मकसद के लिए। मकसद ये है कि किसी ना किसी तरह ये जो ऊपर बैठा दिए चोर, इनका है कि अपनी करप्शन बच जाए, और जिन्होंने इनको बिठाया उनका है कि इन सबका एक चीज कॉमन है, इमरान खान ने नहीं आना, उसके ऊपर काटा डाला हुआ है। अब उसको रोकने के लिए ये सारी हरकतें हो रही है, ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, ये सिर्फ एक मकसद के लिए। ये मुझे जो कत्ल करने की कोशिश की वो इसलिए थी कि पीटीआई की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी, मकबूलियत अवाम में बढ़ती जा रही है, अल्लाह का करम है, लोगों के दिल अल्लाह मोड़ता है। तो वो जितनी जितनी ऊपर जा रही थी, और बाय इलेक्शन में 37 में से 30 हम जीत गए, तो उस वक्त इन्होंने प्लान किया मुझे मरवाने का, दीनी इंतहा पसंद के लिए। मुझे पता है कौन है बीच में, मुझे पता है वो ऑफिसर इस पर पूरी तरह मुलव्वस था, मुझे पहले से पता था। मैंने बार बार आपको कहा, मैंने 6 हफ्ते पहले बता दिया था कि इन्होंने क्या करना है। उसके बाद इन्होंने वो अटेम्प्ट किया, अल्लाह ने बचा लिया। फिर सारी एविडेंस इन्होंने खत्म की, जेआईटी के जितनी भी, जेआईटी को सेबोटाज किया। और मैं बार बार कहता हूं कि अगर ये मुलव्वस नहीं थे तो कौन थे? और ये इतने ताकतवर थे कि हमारी पंजाब की गवर्नमेंट थी फिर भी हम बेबस थे। हुक्म वो जी पीछे से हुक्म आया है, वो इन्होंने बस वो जेआईटी सेबोटाज की। उसके बाद इन्होंने जिस तरह का क्रैकडाउन किया लोगों के ऊपर, हमारे लोगों पर धमकियां, लोगों को धमकियां दे रहे हैं। और फिर 8 मार्च को जब हमने शुरू की अपनी कैंपेन, जब सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस कर दिया 30 अप्रैल को इलेक्शन, उसके बाद हमारे पास एविडेंस है, अदालत में हम जा चुके हैं, जिला शाह केस में अदालत में हम जा चुके हैं। इन्होंने बिल्कुल गैर कानूनी तौर के ऊपर हमें दफा 144 लगाई। हमारे पास सारी एविडेंस है, अब ये अदालत में अब केस चला गया। पहले गलत एविडेंस लगाई, गलत कानून उसके ऊपर लगाया, वो लग ही नहीं सकता था 144। उसके बाद उन्होंने हमारे ऊपर मारधाड़ की, हम तो सारे रैली के लिए निकले हुए थे, इन्होंने पूरा हम वाटर कैनन्स, जो टेयर गैसिंग जो की उस दिन, और फिर जिले शाह को पकड़ के टॉर्चर करके मारा। तो झूठ बोला, पहले कहा कत्ल हुआ है, फिर झूठ बोला कि नहीं एक्सीडेंट हुआ है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें 26 जगह उसको टॉर्चर किया गया था, और ये अनडिनाइबल रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट ये सबके सामने, ये सोशल मीडिया पर चल गई है कि किस तरह उसको तशद्दुद करके फिर उसको सड़क के किनारे फेंक गए। तो उसका भी मेरे ऊपर केस डाल दिया कि पहले शुरू में कि मेरे 302 पे लगा दिया कि मैंने कत्ल किया उसको। लेकिन उसके बाद जो इन्होंने 14 को किया, अब हमने अदालत में अब इसका केस किया, हमारे पास अब सारी एविडेंस है। कैसे इन्होंने पहले एक DIG को लेके आए, जबकि एक इंस्पेक्टर का काम था वारंट इशू करना। पहले तो वारंट इशू करनी चाहिए थी इनको बनीगाला, उसकी पूरी प्रोसीजर है। और फिर से वारंट क्या थी कि मैंने वो सिर्फ अदालत में पेश होना था 18 तारीख को। मैं पहले से ही कह रहा हूं कि मैं अदालत में पेश रहा हूं, उसके बावजूद वो वारंट एक बजाय इंस्पेक्टर लाने के DIG ले आया। हमें तभी लगा, फिर 1000 पुलिस जमा हो गई यहां, फिर यहां टेयर गैसिंग शुरू हो गई। मैंने अपने वकीलों को बुलाया, मैं आपको वाजे कर दूं कि मैंने वकीलों को कहा अगर मैंने कोई कानून तोड़ा है, अगर कानून, क्यों, मैं रूल ऑफ लॉ में बिलीव करता हूं, इंसाफ की तहरीक है हमारी, मैंने कहा अगर कोई मैंने गलती किया मैं तैयार हूं। सारे मेरे वकीलों ने कहा कि बिल्कुल गलत कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि मैक्सिमम इसमें यह है कि आप एक श्योरिटी बॉन्ड दें। मैंने लाहौर हाईकोर्ट के जो प्रेसिडेंट हैं इश्तियाक खान, मैंने उनको श्योरिटी बॉन्ड दिया कि जाए इनको पुलिस को दें। और उसके बाद कानून ये कहता है जो सेक्शन 75 है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, वो वाजे है कि एक दफा आप श्योरिटी बॉन्ड दे दें आपको कोई नहीं पकड़ सकता, आपको अरेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अदालत में तो पेश होना था। मैंने जान के CCPO ने वो श्योरिटी बॉन्ड नहीं लिया। उधर से सबको यहां पता चल गया कि इनकी नीयत खराब है।
सबको पता था जिस तरह इन्होंने जिले शाह को उठा के कत्ल किया, एक मेरे इन्हीं लोगों ने मेरे ऊपर वारदात की, ये जो कत्ल करने की ये लोगों ने की, और सब ने यहां कहा कि आपको बिल्कुल इनको हम अरेस्ट नहीं होने देंगे, क्योंकि आप कत्ल कर देंगे आपको, ये असैसिनेशन अटेम्प्ट है, ये अगवा करके कत्ल करेंगे आपको, इसलिए यहां पर लोग खड़े हो गए। तो उसके बाद अदालत में मैं गया, हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट ने वाजे किया कि मेरे घर के ऊपर ये अटैक नहीं कर सकते, उन्होंने इन्होंने कहा जी सर्च वारंट चाहिए, लाहौर हाई कोर्ट ने बकायदा इनको बताया कि कौन सा ऑफिसर हमारी तरफ से होगा, एसपी गवर्नमेंट की तरफ से होगा, और वो परमिशन से यहाँ घर सर्च किया जाएगा, वो हो गया सारा, लाहौर हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया, इंस्ट्रक्शंस दिए कि आपने घर पे किसी किस्म का अटैक नहीं करना। मैं जाता हूं 18 की सुबह इस्लामाबाद, घर पे दावा बोल देते, मैं जब वहां पहुंच तो पता चलता है मेरे घर पे अटैक कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को इन्होंने मुस्तरद किया पुलिस ने, कौन इतना ताकतवर था जो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दे, मुझे एक मैजिस्ट्रेट के अदालत में जाने के लिए मेरे घर पे 1000 पुलिस वाले आ गए और रेंजर्स आ गए और यहां सारी 26 घंटे अटैक किया। तो लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था वो पुलिस ने उसकी परवाह नहीं की, लेकिन ये पहली दफा नहीं की। जब फवाद चौधरी को पकड़ा तो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि उसको प्रेजेंट करो, उसको इस्लामाबाद ले गए। अली मीन को वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको देता है कि उसको बेल देता है, उसको पकड़ के बखर ले जाते हैं। हसान न्याजी वो निकलता है वहां से बेल लेके अदालत से, उसको पकड़ कोई और केस लगा के उसको उठा के पहले उधर ले जाते हैं क्वेटा, फिर उसको ले जाते हैं कराची ले जाते हैं, फिर उसको पेशावर ले जाते हैं। तो ये कानून यहां तो है खत्म ही हो गया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट धागे से लटक रही है हमारी जमहूरियत और रूल ऑफ लॉ, कोई किसी को फिक्र नहीं है यहां कि जो अदालत का भी फैसला है, क्योंकि कोई ऊपर से ऑर्डर आता है कि वो अदालतों से भी ऊपर है, पुलिस भी नहीं किसी की सुनती, कोई सारे एकदम चुप करके बैठ जाते हैं। तो ये मेरे घर के ऊपर जो अटैक किया, इसके ऊपर भी हम अदालत में गए हुए कि किस बेसिस, कौन से कानून के तहत इन्होंने, जब हाई कोर्ट ने इनको वाजे कहा था कि सर्च वारंट के लिए एक तरीका बताया था, दरवाजा तोड़ के अंदर लूट के ले गए घर, जो चीज मिली उठा के ले गई पुलिस, जो चीज मिली तोड़ दी इन्होंने, लोगों को पकड़ के ले गए, नौकर को पकड़ने के लिए, खनसामे को ले गए पकड़ के, उसको मारा इतना। उसके बाद मैं इस्लामाबाद में फिर से यह बताना चाहता हूं, ये कत्ल करने की साजिश थी जो घर पे अटैक किया, मुर्तजा भुट्टो टाइप कत्ल करना चाहते थे। फिर मैं इस्लामाबाद जाता हूं 18 तारीख को, वहां पूरा प्लान बना हुआ था, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर पूरा ट्रैप था, नामालूम अफराद सीटीडी के कपड़ों में वहां थे, वहां वकीलों के कपड़े में नामालूम अफराद थे जिन्होंने एक दिन पहले सारा टेक ओवर कर लिया जुडिशियल कॉम्प्लेक्स। कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि पुलिस छतों से पत्थर मार रही है, इश्तियाल पैदा कर रही है ताकि वहां कोई इंतशार फैले, और इंतशार के अंदर जी इमरान खान पर कत्ल हो गया। जो वहां हुआ है जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में, जिस तरह इन्होंने शिबली फराज सेनेटर हमारा, उसका नाम लिखा हुआ था, उसको मारा, हमारा जो सुल्तान था उमर सुल्तान उसका नाक तोड़ दिया, उसको मारा, उसका भी नाम लिखा हुआ था, लोग अपनी जान बचा के भागे, और वो शुक्र है कि वो मैजिस्ट्रेट ने मेरी गाड़ी में आखिर में वो मेरे से लिया, नहीं तो अगर मैं ऊपर चला जाता तो मैंने नहीं बचना था। तो उधर सेकंड टाइम मैं बचा हूं, फिर से प्लान बना हुआ था कत्ल करने का। और फिर अब क्या हो रहा है, अब प्लान ये बन रहा है कि मेरे जो इर्द गिर्द लोग हैं उन सबको बारी बारी पकड़ो, जो पार्टी में तकड़े लोग हैं उनको पकड़ो, क्योंकि अब अगर इनको लग रहा है इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो तरीका ही एक है कि अब तहरीक इंसाफ के सारे जो तकड़े लोग हैं या मेरे करीब लोग हैं उन सारों को पकड़ो। उसमें अली मीन को सबसे पहले पकड़ा, मुराद सईद को पूरी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर भी कोई ना कोई केस डालेंगे, हालांकि कोई केस ही नहीं है। मेरे ऊपर जो केसेस हैं, मैं जरा सामने, दो केसेस ही इन्होंने बनाए हुए थे, बाकी तो सारे दहशतगर्दी के केस हैं या ये जिस तरह जिले शाह के कत्ल के केस, इस तरह के केसेस हैं, दो केसेस थे। एक केस था मेरे ऊपर फॉरेन फंडिंग का,
वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फॉरेन फंडिंग का केस खत्म हो गया और जज ने कहा जनाब ये केस ही नहीं है कि इमरान खान ने कैसे, यानी जो पहले तो फॉरेन फंडिंग नहीं था, प्रोहिबिटेड फंडिंग हो गई थी, फॉरेन फंडिंग तो अब निकली नहीं है, वो कह रहे कि इमरान खान ने कैसे इसमें कुछ किया है, वो खत्म हो गया केस। अब है जनाब तोशाखाना का केस, ये बड़ा मजेदार केस हो गया, अल्लाह अल हक है। ये केस क्या है कि इमरान खान ने कोई अपनी घड़ी बेच दी थी, असल में तो ये है ना, पैसे दे के हमें 50% दे के आप जो भी तोहफा रख सकते हैं, अपनी अपनी घड़ी बेच दी थी, ये सारा केस है। अब इसमें पता क्या चला है, पता ये चला है कि नवाज शरीफ ने 10 साल एक चोरी की गाड़ी चलाई, तोशाखाना की गाड़ी उसने डिक्लेयर किए बगैर घर में रखी 10 साल, जब यूसुफ रजा गिलानी, जब मुशर्रफ के दौर डरा हुआ था कि पता चल जाएगा चोरी की गाड़ी है, जब यूसुफ रजा आया तो तब कहा कि इसको लीगलाइज करो, उसके फिर पैसे दिए थोड़े से, लेकिन कानून यह है कि आप तोशाखाना से गाड़ी नहीं ले सकते। पता चला कि आसिफ जरदारी की 3 गाड़ियां हैं, 3 गाड़ियां उसने तोशाखाना से निकाली है, वो भी कोई किसी को भी नहीं आया कि 3 गाड़ियां आपने जो आपने चोरी की है, लेकिन एक और भी चीज निकलाई है। अब यह पता चला है कि मरियम ने भी एक तोशाखाना की गाड़ी डिक्लेयर नहीं की और वो भी कोई 2 करोड़ रुपए की बाद में बेच दी चला के। ये सारी चोरियां हैं, इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, यानी आप ये नहीं कह सकते कि इतने की थे तो मैंने इतने की बेची। तोशाखाना से गाड़ी आप नहीं निकाल सकते, और पता चला है कि इन 3 ने गाड़ियां निकाली हैं, तो ये चोरी है, तो खैर वो भी सामने आ गया। लेकिन जो मैं आप कहना चाहता हूं आखिर में, मैं आज मेरे मकसद ये जो आपके टॉक का वो ये है कि अब अगला फेज शुरू हो रहा है। फेज ये है कि इमरान खान के इर्द गिर्द लोगों को पकड़ो, पीटीआई के मेन लोगों को इस वक्त केसेस करो और उनको पकड़ो कि अगर इलेक्शन होना ही है तो इनकी पार्टी को बिल्कुल कमजोर कर दो, यानी ये केसेस में उलझाए रहे या जेलों में चले जाएं और उसके बाद इलेक्शन करवा दो, जिस तरह इन्होंने कराची के अंदर एक लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन करवाया था, लोगों को उठा लिया, केसेस कर दिए, धांधली की, लो टर्न आउट के ऊपर, ये पीपल्स पार्टी जिसका वोट बैंक ही नहीं है कराची में वो जीत जाती है, यही इनका प्लान बना हुआ है। अब तक अली मीन को, उसके बाद इन्होंने इफ्तिखार गुमन, वो मेरे सिक्योरिटी के चीफ थे, उसको उठा लिया, एक हमारे शाहिद हुसैन लंदन से आए हुए, वो अपना काम छोड़ के यहाँ आए कि हमारी ये सर्वेलेंस, ये जो इलेक्ट्रॉनिक है, हर जगह यहाँ चीज़ें रख देते हैं, कोई डिवाइस रख देते हैं कि जासूसी हो यहाँ, तो वो उन्होंने वो कर रहे थे, उसको उठा लिया, उसको 2-3 दिन दे के वापस आया। अजहर माशवानी को 8 दिन गायब कर दिया, अगवा कर लिया, उसके बाद उसको छोड़ा आके, और उसने फिर पूरा अपना अदालत के सामने बताया उससे क्या हुआ, कई और सोशल मीडिया के लड़कों को उठाया हुआ अभी तक, 1-2 को वापस किया, उनको पर तशद्दुद किया इन्होंने, एक क्वेटा से पकड़ा उसको पर तशद्दुद किया, उसने कहा जी मैं तो किसी पार्टी का हिस्सा नहीं हूं जब वो निकला बाहर। फिर इन्होंने मेरे वो जो बनीगाला में मेरा घर देखता है रजा, उसको पकड़ लिया। अब उसको पता नहीं क्या किया इन्होंने, वो इतना डरा हुआ है, वो इतना खौफजदा है कि वो बता ही नहीं रहा कि क्या हुआ है। वो कहता है जी मुझे मार देंगे। हम उसे पूछते हैं बताओ हुआ क्या, वो उसको कई घंटे रखा और वो उससे जो भी किया है वो बेचारा चुप करके बैठा हो गया, जी मैं बता ही नहीं सकता। अब मेरे इन्होंने, मैं आपको बता दूं, जब मैं प्राइम मिनिस्टर था मेरे घर में जो 2 मुलाजिम थे हमने उनको पकड़ा, वो एक डिवाइस रखने वाले थे मेरे बेडरूम में, तो उनको जब पकड़ा तो आज से जब उनसे पूछा तो पता चला उनको तनख्वाह पे लगा हुआ था, मैं प्राइम मिनिस्टर था, एजेंसीज ने उनको तनख्वाह पे लगाया हुआ था। अब जो ये मेरे खनसामे को पकड़ा यहां, अब उसको उससे जब उसने बताया कि जी पूछ रहे थे बॉम्ब प्रूफ है शीशे मेरे कमरे के या वो बुलेट प्रूफ है, कि कितनी देर लगती है किचन से वहां पहुंचते हुए बेडरूम तक, मुझे उसको निकालना पड़ा। क्यों निकालना पड़ा, कि हमें पता ही नहीं कि वो इनके पेरोल पे ना चला जाए। इसी तरह मुझे ये नहीं पता कि मैं उसका उससे क्या करूं, क्योंकि वो बता ही नहीं रहा उसे क्या किया। तो जिससे पकड़ते हैं उससे फिर ऑफर करते हैं, पैसे ऑफर करते हैं, हो सकता है उसको भी इन्होंने अपने साथ मिला लिया। तो मेरा सवाल यह है
कि ये अगर समझ रहे हैं कि इसी तरह करके हम चुप करके बैठे रहेंगे. मैं आज जो सारी मेरी टॉक हुई थी कि मैंने सारी अपनी कौम को आज भी, और मैं तैयार कर रहा हूं, कॉल दे रहा हूं अपनी पार्टी को, अपनी कौम को, कि हमने अब सब ने पुरमन एहतजाज की तैयारी करनी है ईद के बाद. इन्होंने 27वीं के बाद प्लान किया हुआ और पकड़ धकड़ करना. ये इनकी कोशिश यह है कि जमान के पाक के ऊपर भी एक और वारदात हो, ये इनका प्लान बना हुआ है. और यही इनकी कोशिश यह है कि इतना खौफ, इतना डरा दें लोगों को कि हम चुप करके कबूल कर लें, या हम डर के पीछे हट जाएं, या हम चुप करके बैठ जाएं, ताकि अगर इन्होंने इलेक्शन करवाने भी पड़े तो इतना दबा के, तहरीक इंसाफ को दबा दो कि वो इलेक्शन ही लड़ सके. और केयर टेकर गवर्नमेंट, जिसका सिर्फ, फिर से मैं बता दूं, केयर टेकर का काम सिर्फ एक है, इलेक्शन करवाना. वो केयर टेकर जो कर रही है, कभी यानी नून लीग का अभी तक कोई नहीं पकड़ा इन्होंने, सारे पीटीआई के पकड़े, 3000 वर्कर पकड़ लिए, कोई नून लीग का नहीं है. तो और उनके लिए पूरे इलेक्शन कैंपेन भी, हर तरह की मदद है उनके लिए, और हमें दबा रहे हैं. कभी ऐसी भी केयर टेकर गवर्नमेंट हुई है? तो इनकी सारी कोशिश जो है, मैं आज अपनी कौम को अब कह रहा हूं, क्या हमने ये चुप करके भेड़ बकरियों की तरह ये कबूल नहीं करना ये जो जुल्म हो रहा है. मैं अपने सारे कारकुनों को कह रहा हूं, तैयारी करें आप. मैं हर लेवल पे लोगों को कह रहा हूं, आप तैयारी करें. हमें पुरमन एहतजाज करना पड़ेगा. हमें, हम ये चुप करके ये जो जुल्म आगे करने भी जा रहे हैं, हम ये सहने नहीं लगे. और अगर मैं इनको आखिर में एक पैगाम देना चाहता हूं कि अगर आपका ख्याल है कि इन हरबों से आप इन चोरों को हमें कबूल करवा देंगे, कि आप अगर ये समझते हैं कि हम इनको एक्सेप्ट कर लेंगे, ये जो NRO के चोर बैठे हुए हैं ऊपर, आपको ना तारीख का पता है, ना आपको सियासत का पता है, ना आपको पता है कि पब्लिक जब एक तरफ खड़ी हो जाए तो ये हरबे कामयाब नहीं होते. अगर ये खौफ जो फैला रहे हैं, एक साल से खौफ पैदा कर रहे हैं कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, काटा डाल दिया इमरान खान के ऊपर, आप जीत ही नहीं सकते, हर को हमारे लोगों को डिमोरलाइज करते, जो भी, अगर इससे फर्क पड़ना होता तो आज इतनी लाइनें ना लगी होती तहरीक इंसाफ का टिकट लेने के लिए. मेरे पास टाइम ही नहीं है, इतने ज्यादा लोग हैं जो PTI का टिकट लेना चाहते हैं. कोई इससे फर्क नहीं पड़ रहा. कौम को पता है, जो इलेक्शन लड़ने वाला है उसे पता है कि नीचे जो वो जा रहा है हल्कों के अंदर, वहां सिर्फ इसे को PTI की बात कर रहे हैं लोग. वो लोग अब अगर इससे लोग डर जाते तो भी हमारे पास तो कैंडिडेट ही नहीं होने चाहिए थे. हमारे पास तो एक एक हल्के पर कैंडिडेट्स इतने आ गए हैं, हमें तो सबसे बड़ा मुश्किल ये पड़ा हुआ है कि हम टिकट दें किसको. तो इससे कोई कामयाब, सिर्फ एक हो रहा है, मुल्क में नफरतें फैल रही हैं, इदारे और कौम के बीच में फासले बढ़ रहे हैं. मैं इसलिए अपनी कौम की खातिर आज कह रहा हूं कि इस कौम को बचाने के लिए खुदा के वास्ते अभी भी होश के नाखून लो, इस वक्त भी टाइम है, सोच लें कि इस कौम को बचाएं जिस तरफ जा रहे हैं. ये इस तरह अगर, जिस तरह हम अभी जा रहे हैं, मायशत तबाह हो गई है, वो तो ठीक हो ही नहीं सकती जब तक इलेक्शन ना हो. और जिस तरह ये नफरतें फैल रही हैं, ये तो किसी वक्त भी कुछ हो सकता है पाकिस्तान में. इसलिए मैं आज भी कह रहा हूं कि सारे जो इस मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं, पहले तो सारे सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ही चीज है जो हमें बचा रही है हमारी जमहूरियत को आज. वो उसको अगर इन्होंने जो तकसीम करने की और जो भी कोशिश कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता अगर सुप्रीम कोर्ट हमारी बैठ जाती है तो ये जमहूरियत खत्म हो जाती है, क्योंकि और कोई इदारा नहीं है जो इस वक्त इस मुल्क की जमहूरियत को बचा सके. इसलिए सारी कौम को एक तो कहता हूं कि अपनी आइन के साथ और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हो. और दूसरी, मैं सारी कौम को कह रहा हूं कि अगर ये इसी तरह चलता रहा, हम सबको निकलना पड़ेगा, और मैं इंशाल्लाह आपको लीड करूंगा. पाकिस्तान पाइंदाबाद.